वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो ये बात तो अब तक हम सबको पता लगी है, हमने इतनी बार डिस्कस कर ली है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, या कोई कॉयल है, या फिर सोलेनॉइड है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, अगर इस तरह का कुछ भी है और उसमें हम करंट फ्लो कराते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और मैग्नेटिज्म शो करती है। वी आर क्लियर विद दिस सो फार? इतनी बात तो सबको पता लगी है। अब हुआ क्या, जब ऑरेस्टर ने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने बताया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म व्हेन इट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, तो दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, तो फिर मैग्नेटिज्म से या मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होनी चाहिए या हो सकती है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, तो वहीं से निकला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फिनोमेना इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, इंड्यूस हो जाएगी कब, इन अ सर्किट बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से किसी कॉयल के आसपास अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाती है और इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली विद द मोमेंट ऑफ मैग्नेट नियर अ कॉयल, और वो कॉयल जो है आपकी, वो एक सर्किट जो है वो क्लोज होना चाहिए सर्किट आपका। When a straight metallic wire is moved up and down in magnetic field between the two poles of horseshoe magnet, then magnetic flux linked with the wire changes and an electric current is produced in the wire. मतलब ये कह रहा है कि अगर आपके पास ऐसे कोई horseshoe magnet है, ठीक है, यहाँ पे इसके north south pole है ऐसे करके कहीं पे भी, तो वो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे एक wire हो आपके पास, मान लो ये wire है आपके पास, और इस वायर के साथ ऐसे करंट फ्लो नहीं करेगी, इसमें आपको इसे क्लोज करना पड़ेगा, कोई क्लोज सर्किट बने यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप रेजिस्टेंस लगा दीजिए या कुछ भी ऐसे करके, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो ये कॉयल है और एक ये आपके पास मैग्नेट है, तो या तो आप इस मैग्नेट को मूव कराओ, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसके पास लेके आओ, फिर दूर लेके जाओ, पास लेके आओ, दूर लेके जाओ, पास लेके जाओ, दूर लेके जाओ, ऐसे करके क्या करो, आप मैग्नेट के अंदर मूवमेंट करो। तो जब आप मैग्नेट के अंदर मूवमेंट कराएंगे, नॉर्थ पोल को पास लेके आ रहे हो या दूर लेके जा रहे हो, या फिर साउथ को दूर लेके जा रहे हो या पास लेके आ रहे हो, तो इससे क्या होगा कि ये जो कॉयल दिख रही है आपको, ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे आप एक गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं कहीं पे, यहाँ पे ऐसे करके एक जी होता है हमारे पास गैल्वेनोमीटर, हम वो भी लगा सकते हैं। तो इस मोमेंट से क्या होगा कि यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगी इस कॉयल के अंदर, ये जो कॉयल दिख रही है आपको ये वाली, इस कॉयल के अंदर क्या होगा, एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। देखो यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, लेकिन तब भी क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। बस आपको करना क्या है कि ये जो मैग्नेट है आपको इसे मूव कराना है इसके आसपास, आगे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ, ऐसे आगे ले जाओ, फिर पीछे ले जाओ, फिर आगे ले जाओ, फिर पीछे ले जाओ, तो इस मोमेंट से इसके अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगी और गैल्वेनोमीटर के अंदर आपके पास डिफ्लेक्शन आएगा। अब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन होंगी अलग अलग, और वो डिफ्लेक्शन हम कैसे करेंगे, जैसे नॉर्थ पोल को आप पास लेके आ रहे हो, ठीक है, मान लो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर का एरो है आपके पास, तो अगर आप नॉर्थ पोल को पास लेके आ रहे हो तो मान लो इधर गया आपका पॉइंटर, तो साउथ पोल को दूर ले जाने पे भी सेम डिफ्लेक्शन होगा, यानी नॉर्थ पोल को पास लाने का इफेक्ट वही होगा जो साउथ पोल को दूर ले जाने का इफेक्ट है, या फिर नॉर्थ पोल को दूर ले जाने का वही इफेक्ट होगा जो साउथ पोल को उस कॉयल के पास लेके आने का होगा इफेक्ट। तो इससे क्या होगा, हमारे पास विदाउट बैटरी आपके पास करंट इंड्यूस हो जाएगी, और यही वो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में आप क्या करते हो, आपके पास जो कंडक्टर्स होते हैं, जो आर्मेचर होती है, उसको आप रोटेट कराते हो, और उसको रोटेट करा के आप क्या करते हो कि जो एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है आपका किसके साथ, उस कॉयल के साथ, उसे आप चेंज करते हो, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। अब देखो जब आप गैल्वेनोमीटर
कनेक्ट करेंगे अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर शोज सम डिफ्लेक्शन इंडिकेटिंग दैट सम करंट इज प्रोड्यूस्ड। मतलब जो आपने मूवमेंट कराई थी मैग्नेट के अंदर करा दो या फिर उस अरेंजमेंट के अंदर भी करा सकते हो। अब जो कॉयल है आपके पास, कॉयल या मैग्नेट में से दोनों को आप क्या कर सकते हो, मूव करा सकते हो, तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब हमें देखना है कि जो डिफ्लेक्शन है वो किस तरीके से होता है। द करंट लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द चेंज इन द फ्लक्स कॉन्टिन्यू। यानी कि देखो, मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है तो पर यूनिट एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर वो चेंज होगा तो उसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन शॉर्ट वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि ये मूवमेंट से प्रोड्यूस हुई है। और जो अगर करंट है देखो, तो फिर आपका वोल्टेज भी होगा, आपने रेजिस्टेंस लगाया हुआ वहां पे। EMF which produce this current is called EMF. इसको हम क्या बोलते हैं, EMF, electromotive force.